फाइनली 608 लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद आखिर मेरी शादी हो गई। अब हो चुकी है आधी रात, फाइनली बनेगी मेरी सुहाग रात। दादी आप यहाँ पे इतनी रात को? अरे जाओ सो जाओ। मेरे पोते की सुहाग रात है, दादी को तो चिंता होगी ना। ये देख शीला जी, इसने टॉप गियर पे रहेगा, चुकेगा नहीं साला। अरे दादी आपको इस उम्र में ये सब बातें शोभा देती हैं क्या? बेटा मशीन पुरानी हो गई है, किक स्टार्ट एक बारी में हो जाए ना तो रोहित शेट्टी की फिल्म से ज्यादा एक्शन देती है दादी। दादी वो मेरा इंतजार कर रही है, जाने दो मेरे को। इसको पकड़ लेना। सौ मीटर की रेस नहीं, मैराथन जीत के आई है। बाय। केसर दूध पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं दूध पीऊंगा ना तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी, फिर गैस, फिर बदहजमी, फिर खट्टी डकार और फिर पीले पीले मोशन। बस बस रहने दो, ये सब सुनकर तो मूड की मावेर हो जाएगी। तो फिर आप क्या सुनोगे? अब ना कुछ सुनना नहीं है, चलो सुहागरात स्टार्ट करते हैं। रेडी सेडी गो तो बोलो वरना मेरी फट जाएगी। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। हाँ। मैं 1 2 3 बोलूंगी, उसके बाद करते हैं। ओके ओके ओके। 1 2 ठहरो, ये सुहागरात नहीं हो सकती। तुम कौन हो? हम तुम्हारी धर्म पत्नी। कुत्ते कमीने, तो छुंदर के बाल, गधे की खाल, सुअर की पॉटी, धोखा दिया मुझे। अरे मैं तो इसको जानता भी नहीं, गॉड प्रॉमिस। अरे हम मोनी, तुम्हारे दादाजी और हमारे दादाजी ने बचपन में ही रिश्ता पक्का कर दिया था, तो अब हम आ गए अपना पत्नी धर्म निभाने। ये दादा ने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी। ओए पुरु, मेरा पति है, भाग जाए यहाँ से। पुरु मेरा है, हमारा है, मेरे है, हमारा है, मेरा है, मेरा है, मोनी। पिंके, मोनी, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे तो हाथ ही उखाड़ दिए। अरे जानवरो अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। पता नहीं स्वागत बना रहे हैं क्या बना रहे हैं। बेटा तेरे दादाजी गांव के करण जोहर थे, सारी जोड़ियां वही बनाते थे, तेरी भी बनाई हो क्या पता? काश दादाजी आज जिंदा होते, हमारी भी एक तो गर्लफ्रेंड हो तो बनवा ही देते। अरे दादी पर दादाजी तो चले गए, कम से कम बता तो देते, अब मैं तो फंस गया ना दो बीबियों के चक्कर में। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है, अब क्या करूं मैं? हमारी जिंदगी भी ना झंडवा हो गई है। ये दोनों बीवी हमें सिंगल मार देंगी। अरे शांत हो जाओ, सारी चीजें फेंकने लग जाओगे तो गरीबी के दिन आ जाएंगे हमारे। अरे दादी दादाजी तो कांड करके चले गए, अब मैं तो फंस गया ना यहाँ पे। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुम शादी की रस्में शुरू करो, जो जीतेगा वो बनेगी तेरी पत्नी, सिंपल। पेंसिल बोल पेंसिल, पेंसिल तेरी स्वागत कैंसिल। कम्मा पागल, मुझे लेता पुरुष से। तो बच्चों गेम का नाम है शेक दैट बूटी, ढूंढो अंगूठी। और इस गेम में जो भी 3 बार में से सबसे ज्यादा बार जीतेगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट। लेकिन अगर पुरु भैया जीत गए तो वो अपना 1 पॉइंट तुम दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। तो चलो राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। राउंड 1। मिल गई मुझे अंगूठी, मिल गई,
मार देगा अपने पति को। अब खाऊंगा किससे और धोऊंगा किससे। राउंड थ्री। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्व भैया इंजर्ड होने के कारण इस गेम में भाग नहीं ले सकते, तो आप दोनों में से जो भी जीतेगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कौन बनेगी पूर्व की पत्नी। अबे हट बे नौकर, अपनी चूतर साइड कर। दादी अब क्या दंगल करोगी, ये कौन सी गेम है? बेटा ये है छड़ी गेम। इस गेम में पता चलेगा किसमें कितना है दम जब टूटेगी किसी की बम। वाह बुढ़िया दादी वाह, क्या गेम ढूंढ के लाई हो, किसकी बम तोड़ रही हो? हराम खोर तेरी बम टूटेगी। अच्छा मेरी बम तोड़ रही हो? क्या मेरी क्यों? जिसके छड़ी के शॉट से तू सबसे ज्यादा तेज चिल्लाएगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट। तो पत्नियों लगाओ दंग, तोड़ो बम। भेजो दादी भेजो। जा पिंकी। पिछवाड़ा तोड़ दिया बहू, क्या बात है, अब मोनी की बारी। आजा मोनी आजा। इसके पिछवाड़े में से तो धुआं निकल रहा है। पिछवाड़े का पकोड़ा बनाने के लिए ये राउंड जीती है। वाह दादी क्या बॉडी बना रखी है, एकदम तरुण गिल जैसी। तुम्हारी बॉडी बनाई कैसे? ये मैंने बॉडी लड्डू खा के बनाई है। मैं तो कहती पुरु तू भी लड्डू खा और मेरी तरह बॉडी बना। आगे बोल बे। सही है। पर दादी लड्डू को हम क्या करेंगे? अब खेलेंगे हम आखिरी राउंड जिसका नाम है शादी के लड्डू। जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो ये राउंड जीत जाएगा। वाह जी वाह, तो इस फाइनल राउंड के विजेता है हमारे भैया पुरु। बेटा पुरु अब तो तेरे हाथ में है, तू किसको देता है पॉइंट और बनाता है अपनी पत्नी जिसके साथ तू बनाएगा आज की स्वागत। वैसे गर्ल्स हम भी सिंगल हैं और पुरु भी ऐसे थोड़े ज्यादा स्मार्ट, तो तुम दोनों हमारे पास भी आ सकती हो। अतरा मुझे चूज कर लो, वैसे भी मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ, ये तो पैकेज में आई है। मोनी रुको। पिंकी माना कि तुम मेरी फर्स्ट चॉइस हो पर मोनी दादाजी की चॉइस है और वो गांव से स्पेशली मेरे लिए आई है, तो मैं क्या सोचा था ना कि हम सब लोग एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं। हैं? यहाँ साली एक नहीं मिल रही और ये दो दो लेके बैठ गया है।
ये मोनी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये ना तुम पर प्रैंक था। हाँ, देखने के लिए कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ लॉयल हो भी या नहीं। प्रैंक? अच्छा प्रैंक था तो मतलब पिंकी और मैं अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं और आज की रात होगी सुहाग रात, है ना, है ना, है ना? सुहाग रात बनाएगी मेरी जुत्ती। तू मुझे आज चूज नहीं कर पाया, आगे क्या सपोर्ट करेगा? बेटा जब दोनों हाथों में लड्डू लोगे ना तो पीछे से लाती पड़ेगी। पर पिंकी मेरी बात तो सुनो। बोलो पेंसिल। सुनो तो सही। बोलो पेंसिल। पेंसिल। तेरी शादी कैंसिल। एक बीवी संभालना इतना मुश्किल होता है, मैंने तो दो दो संभाली है एंड मैं ही जानता हूँ कि कैसे संभाली है, बहुत मुश्किल था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड फनी लगी तो इसको प्लीज लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था एंड मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं या नहीं बनाऊं। यार मैं बहुत मेहनत करता हूं, मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो में दिखता है नहीं दिखता, बट सही में बहुत मेहनत करता हूं, पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। तो प्लीज थोड़ा सा इसको शेयर करो एंड फैलाओ वीडियो को जितना हो सकता है, प्यार दिखाओ अपना। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, जाके मुझे फॉलो करो, जस्ट पुरु मेरे पे इंस्टाग्राम का पेज है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाल बटन होगा जिसपे सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा दो, ठोक दो एंड उसके साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्यार आपका, मैं टीन जस्ट पुरु की, लव यू।